हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाव हिंदी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राज के बियर्ड पे। रिएक्ट नहीं करने वाले, वो दिन जिसका मुझे डर था वो आ ही चुका है। मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था। 50,000 तो ये साल तो नहीं होगा, 2019 में हो सकता है, बट 2018 एंड होने से पहले बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन सब लोगों ने मिलकर उसको हरा दिया है, सो नाउ ही इज गोइंग टू शेव। लुक एट दिस, इसके बिना मेरा फेस कितना बुरा दिखने वाला है आप लोग को पता नहीं है, इसीलिए हम देखना चाहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी एक भी फोटो नहीं है जिसमें मैं बियर्ड के बिना हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं अच्छा नहीं दिखता। तो दैट विल बी फनी ना, हम लोग कितने सारे फनी वीडियोस पे रिएक्ट करके हंसते हैं, आप हमारे साथ हंसते हो। आज हम लोग थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, हम लोग खुद आपको हंसाएंगे। हम हंसा रहे नहीं है, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, तू भी, तो सिर्फ आप लोग एंजॉय करने वाले हो। मेरे लिए तो ये पनिशमेंट की तरह है ये वीडियो। लेट्स डू दिस। आई गेस आप नेक्स्ट टाइम मुझे देखोगे आई विल बी कम्प्लीटली शेव्ड। मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं स्कूल के बच्चे की तरह दिखता हूँ शेव करने के बाद। तो एक्चुअली मैं एक बार शेव कर लूँ उसके बाद मैं शायद स्कूल में जाके भी बैठ सकता हूँ, कोई सस्पिशियस नहीं होगा कि ये एकदम मिड ट्वेंटीज में पहुँच गया। Well, now let's do this. So, today I am here with a school boy. Literally, मैं स्कूल में जा सकता हूँ। एंड मैं इतना गोरा क्यों दिख रहा हूँ? कैसा लग रहा है? मैं एक्सट्रीमली गोरा नहीं लग रहा क्या? बट कुछ ऐसा हल्का फील हो रहा है। बुरा जरूर फील हो रहा है। सो तू हम सबको बताना चाहेगा कि हाउ डू यू फील, मतलब बियर्ड होता है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग। ओके, नॉट दिखने में नहीं, जस्ट फीलिंग, विच इज़ अ बेटर फीलिंग? बियर्ड होना बेटर लगता है क्योंकि पता होता है कि दिखने में डिसेंट तो दिख रहा हूँ मैं। लाइक मुझे देख के कोई ऐसा ये क्या, ये कौन सा क्रिएचर आ गया, वैसा कोई बिहेव नहीं करने वाला। अब मुझे डर है कि मैं घर वापस जाते वक्त लोग स्टेयर करने वाले मेरे पे, ये कौन, ऐसा दिन खराब हो जाएगा मेरा चेहरा देख के लोगों का। कैन यू इमेजिन, देयर आर सो मेनी पीपल जो कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं, उनको डेली क्लीन शेव करना पड़ता है। मैं तो जब बैंक में काम करता था तब भी शेव नहीं करता था। वो मुझे पता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। मेरे पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। आई थिंक ही सो अनहैप्पी कि वो ऐसे ही बात कर रहा है। मुझे खुद का चेहरा नहीं देखना क्योंकि ये कैमरा में स्क्रीन भी होता है, जो स्क्रीन में मुझे खुद का चेहरा दिख रहा है और मुझे देखना नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ खुद को देखना। इट्स ओके, वी वोंट जज यू। कुछ मास्क लेके आना चाहिए था मुंह छुपाने के लिए। सांता क्लॉज का मास्क चल जाता क्योंकि वैसे भी आज क्रिसमस है। या चल जाता। या मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी, मेरी क्रिसमस। आई थिंक मुझे मेरा अल्टीमेट वेपन यूज करना पड़ेगा। I'm going to do a magic trick जिससे मेरा beard वापस आ जाएगा, at least hopefully. क्या लगता है आ गया रहेगा beard वापस? No. टडा। आप देख सकते हैं beard वापस आ चुका है, मेरा magic trick work कर चुका है। एंड आप आगे के एपिसोड्स में भी देखेंगे, मतलब हमारे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, मेरा बियर्ड यही रहने वाला है। मुझे मैजिक आता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। अब मेरी बारी आप पे हंसने की क्योंकि आप लोगों ने इतना सोचा था मज़ा आएगा राज पूरी तरह से शेव्ड लुक के साथ हमेशा। लेकिन हम लोग ने देख तो लिया, तो हम लोग ने मज़ा ले ही लिया है। आप लोग को ज़्यादा देर सैटिस्फ़ैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा बियर्ड वापस आ चुका है। I'm very happy. We can enjoy the screenshots.
बट मैजिक ट्रिक से क्यों नहीं इम्प्रेस्ड है? क्योंकि हमें बस नो शेव्ड नहीं नो बियर्डेड राज को देखना था. हाँ हाँ लेकिन देख लिया बट मैजिक ट्रिक से इम्प्रेस हो एटलीस्ट कमेंट्स में तो लोग इम्प्रेस. सबको पता है कि तूने क्या किया है. अगर ऐसा किया है तो आगे के वीडियोस में देखो मेरे एक भी इसमें वीडियो में शेव्ड लुक नहीं होगा. लेट्स सी. मेरे मैजिक पे विश्वास करो यार. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.